नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी एक मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी शेयर करूँगी। आशा करती हूँ आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आएंगे। तो आज की रेसिपी देखिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें ले लिया है, और फ्रेंड्स आज की रेसिपी में कम से कम 200 लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज के प्याज को ऐसे गोल काटने के बाद इसका जो छिल्ला है उसे मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। थोड़ा सा हम मोटे रखेंगे रिंग्स को। देखिए, एक बड़े साइज के प्याज को ऐसे स्लाइस में काटने के बाद हमें रिंग अलग कर लेना है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। एक हम बाउल ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे 2-3 चम्मच बिल्कुल छोटे छोटे चॉप करे हुए प्याज, डालेंगे बिल्कुल छोटे चॉप करके 2 चम्मच टमाटर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा डालेंगे हरी मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा, और डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब हमें चाहिए 2 अंडे। दोनों अंडे डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच मैदा। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से हमें मिक्स करना है। आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बच्चों के साथ आप बड़े को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे टमेटो केचप, चाय या किसी भी चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम एक पैन में ले लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा तेल। आप देख सकते हैं कितना लिया है। तेल को हम मीडियम गरम कर लेंगे पहले। तेल जब हमारा हल्का गरम हो, हम अनियन रिंग इसमें इस तरीके से डाल देंगे। डालते टाइम गैस का फ्लेम बिल्कुल हमारा लो पे रहना चाहिए। एक बारी में जितना आराम से आ सके उतना हम रिंग्स इसमें लगा देंगे। अब हम चम्मच से बैटर को उठाएंगे और इस तरीके से रिंग्स के अंदर डालेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से एक बार और मिक्स कर लेंगे। देखिए, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे है। इस तरीके से सभी रिंग्स को हम भर देंगे। सभी रिंग्स में हमने बैटर डाल दिया है। अब हम गैस का फ्लेम लो मीडियम करके 1 से 1.5 मिनट एक तरफ फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम पलट देंगे। 2 मिनट हो गए, नीचे की ओर अच्छे से फ्राई हो गया है। एक चम्मच लेंगे और इसे पलट देंगे। देख सकते हैं नीचे की ओर बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। सभी को हम पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम 1 मिनट फ्राई हो जाने देंगे। तो गैस का फ्लेम लो कर देते हैं। लो फ्लेम में 1 मिनट हम वेट करेंगे दूसरी तरफ भी फ्राई होने का। 1 मिनट बाद एक बार चेक कर लेंगे तो नीचे की ओर भी अच्छे से फ्राई हो गया है। निकाल लेंगे हम और इसी तरीके से बाकी रिंग्स को भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगे। तो इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।